हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यू ऑल आर रेडी? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस एंड ऑडियो वीडियो वॉइस टाइम ऑडियो ऑडियो और वीडियो बहुत आर वेरी प्रॉपरली? वॉइस इको या डिस्टरबेंस किसी प्रकार का कुछ आ तो नहीं रहा है आप लोगों को? जवाब दो बच्चों, कमेंट करके बताएं। सर हाँ, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ थैंक यू बेटा। चलो तो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को लेकर। बेटा आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हमारा ऑलरेडी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका था, बहुत दिन से हमारी पढ़ाई नहीं हुई है बेटा। तो नाउ आज हम क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन स्टार्ट करने जाएंगे बेटा। यू ऑल आर रेडी? वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच सभी को बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन बेटा। कल का लेक्चर ड्यू टू माई हेल्थ मैं नहीं ले पाया था, कि तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से लेक्चर नहीं ले पाया था बेटा मैं। एनीवे, नाउ हम आप लोगों से बात कर रहे हैं बेटा इस चीज के बारे में, जिक्र मैं आपके साथ कर रहा था। चैप्टर का नाम बेटा हमारे लिए कौन सा? सेल्स ऑफ अप्रूवल था। और सेल्स ऑफ अप्रूवल के अंदर हमें कुछ चीजें डिस्कशन ऑन करना बाकी थी। मतलब कंसेप्ट वाइज तो हमारा हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है बेटा। अब मेरे को यहाँ पे डिस्कशन करना है रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है, कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या अप्रूवल सेल्स एट द टाइम ऑफ सेंट हो रहा है या एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस हो रहा है। इन चीजों के बारे में जिक्र मेरे को आपके साथ करना है। एंड वन मोर थिंग बेटा, और जब आज गुड सेल हो रहा है, आज आज गुड सेंट हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात, आज अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, जब एक्सेप्टेंस होगा तब एंट्री क्या पास होगी। हालांकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों से कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा इस चीज के बारे में। आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी, चलो बच्चों क्या स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन की एक एक बात को बड़े ध्यान से आप लोग समझना बेटा। ऐसा नहीं है तुक्के में हाँ लगाना, ऐसा हमें जवाब नहीं देना है। आप सभी लोग एक एक चीज के बारे में सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद जवाब देना है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर वन पे जब मैं आप लोगों के पास आता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान दीजिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर वन के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन बेसिकली ये बोलता है, अ मर्चेंट गुड्स सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इससे समझ में आएगा कि चैप्टर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड्स हमने सेंट किया है, सेल नहीं किया, सेंट किया है अप्रूवल बेसिस पे। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर रिकॉर्डेड एज सेल व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड और एट द टाइम ऑफ एक्सपायर। मतलब जब गुड्स हम सेंट कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? लेट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर वन हम डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता, तो क्वेश्चन नंबर वन जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि गुड्स अगर आज सेंट हुआ है, जब अप्रूवल मिलेगी तभी हम क्या करेंगे बेटा, इसको सेल ट्रीट करेंगे। समझ पा रहे हो? या टाइम पीरियड जब एक्सपायर्ड होगा तब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सेल ट्रीट करेंगे। चीज के बारे में आप लोग बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये बोलना है बच्चों, क्या बोलना है चीज के बारे में, मैं आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, जब मैं सेंट के बारे में जब जी आपके साथ कर रहा हूँ, तो क्या कंसेप्ट होगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है चीज के लिए कि सेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो जब सेंट हो रहा है तब यहाँ पर नो एंट्री है,
यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। पर जब अप्रूवल होगा तब यहाँ पर एंट्री पास की जाएगी, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखें। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। क्या यहाँ तक का पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अगला पॉइंट क्या होगा चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। जब ये सारी बातें हो जाती हैं, उसके बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ जिक्र करूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा चीज के बाद। अगर रिजेक्शन होगा तो भैया रिजेक्शन टाइम पे कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, ये पॉइंट भी सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? जवाब दो बच्चों। क्या यहाँ तक का पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? जवाब दो बेटा। क्या यहाँ तक का जितना भी पॉइंट है सभी को अच्छे से क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन आगे बेटा, ठीक है। गुड्स हमने सेंड किया 5th of March 2016 को। ही सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर 100 आर्टिकल, 100 क्वांटिटी का गुड्स हमने सेंड किया है 200 रुपीज की प्राइस पे, टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन अ मंथ। जो गुड्स हमने 5 तारीख को आज आपको हम सेंट कर रहे हैं, सेल नहीं सेंट कर रहे हैं, आने वाले एक महीने में या तो इसे एक्सेप्ट कर लेना या इसको रिजेक्ट कर लेना। अगर एक महीने के अंदर ना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं आती है तो इन दैट सिचुएशन एक महीने बाद इसको हम सेल ट्रीट कर लेंगे। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है चीज के बारे में भी आप ध्यान देना। अगला पॉइंट क्वेश्चन में बेसिकली ये बोलना चाहता है सर क्या, तो सुनो ध्यान से। अब ध्यान समझना, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज होती है 31st March 2016 को होती है, मतलब 2015-16 के अंदर गुड्स आपने भेजा था। देखा जाए तो 2015-16 गुड्स सेंड किया था, पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो एंड कब हो रहा है, टाइम पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है 2016-17 में, वो टाइम पीरियड क्या हो रहा है बेटा आपके लिए, एक्सपायर्ड हो रहा है, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया 2015-16 के बारे में जिक्र जब मैं आपके साथ करता हूं तो इस चीज के बारे में अपन को बड़े ध्यान से आप लोगों समझ। तो यहां गुड सेंट हुआ पर एक्सेप्ट, इसके बीच में 31st March आ रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है जिस दिन यहाँ से गुड्स गया होगा तब कोई एंट्री पास नहीं की गई होगी बेटा, बट ऑब्वियसली बात है 31st March के दिन, जवाब देना 31st March के दिन कोई ना कोई तो अप्रूवल या एक्सेप्टेंस की इन्फॉर्मेशन अब कुछ हुआ ही नहीं है, तो भैया यहाँ पे गुड्स सेल कैंसिल करेंगे क्या? हम यहाँ पे सेल कैंसिल 31st March के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि जब गुड्स यहाँ से गया था कब, 5th of March को जब गुड्स गया था तब हमने सेल ही रिकॉर्ड ही नहीं की, तो 31st March के दिन सेल कैंसिल करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हमें स्टॉक की एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं होगी। स्टॉक की एंट्री कैसे पास होगी इसके बारे में जिक्र मेरे को आपके साथ यहाँ पर करना है, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो स्टॉक की एंट्री मेरे को यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक की एंट्री हमें पास की, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री पास करनी ही पड़ेगी, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। 3rd of March के दिन, 3rd of March 2000 आर्टिकल रिसीव बैक, 3rd of March 10 आर्टिकल तो वापस मेरे पास, चलो कहानी चेंज हो गई। अब यहाँ पे 100 में से बेटा 40 आर्टिकल रिजेक्ट हो गए। जब रिजेक्ट हो गए है तो भैया जब गुड्स सेंड किया था तभी हमने सेल एंट्री पास नहीं की थी, जब गुड्स रिटर्न आ रहा होगा, रिजेक्ट आ रहा होगा, तो उस केस में भी हमें एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है। 25th March को बेटा 50 आर्टिकल के में एक्सेप्टेंस मिल गई, मतलब हमें अब सेल, जब गुड्स सेंड किया था तब हमने सेल रिकॉर्ड नहीं किया था, बट 25th March के दिन 50 आर्टिकल की हमारे पास एक्सेप्टेंस आ गई कि हम ले रहे हैं, तो 25th March के दिन हमें सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। बट जिस दिन गुड्स सेल हो रहा था उसी दिन अगर इसके हम एंट्री पास कर देते, मेरी बात समझना, जब गुड्स सेल हो रहा सेंड किया था तभी हम सेल की एंट्री पास कर देते तो रिजेक्ट हुआ था उस दिन 40 आर्टिकल की सेल की रिवर्स करनी पड़ती, और जब 50 आपको कंफर्मेशन आ रहा था उस दिन हमें कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों 100 आर्टिकल में से 40 आर्टिकल कैंसिल हो गए, 50 आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 50 आर्टिकल बेसिकली क्या होगा एक्सेप्टेंस आ गई, 10 आर्टिकल के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, दैट मीन्स 10 आर्टिकल स्टॉक विद कस्टमर आपके लिए रहेंगे, तो इसके लिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी पड़ेगी, सेल करने की एंट्री पास करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
क्या है पॉइंट, सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, द सेल प्राइस वॉज मेट एट कॉस्ट प्लस 25%, जो सेल प्राइस है उस सेल प्राइस के अंदर 25% प्रॉफिट इंक्लूडिंग है, सेल प्राइस का नहीं कॉस्ट प्राइस का। तो मतलब आप 25% ऑफ 200 सेलिंग प्राइस आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 200 पे अगर परसेंटेज लगाना है तो भैया आपको परसेंटेज भी किसका वाला चाहिएगा बेटा, आपके पास परसेंटेज भी किसका वाला चाहिएगा बेटा, परसेंटेज चाहिएगा बेटा आपको, आपको चाहिए परसेंटेज किसका चाहिए बेटा, परसेंटेज जो चाहिएगा वो भी सेल प्राइस वाला चाहिएगा। तो यहां पे हमें ये लेट एज्यूम कॉस्ट प्राइस ₹100 प्लस प्रॉफिट 25% ऑफ 100, दैट मीन्स कितना 125 विल बी योर क्या होगा बेटा आपके पास सेल प्राइस, क्लियर। तो 25 इज प्रॉफिट ऑन 100, तो 25 रुपीज 125 सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना होगा, दैट मीन्स 20% विल बी योर प्रॉफिट होगा। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझ, शाबाश शोभित बेटा शाबाश, रटा हुआ तो नहीं बोल रहे हो ना, चलो बेटा ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन, हमने यहाँ पे समझ लिया बेटा। अब क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ध्यान समझना बेटा, एक एक चीज को मैं बहुत लॉजिकल चीजें के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर 5th मार्च के दिन, चलो मैं इसको और सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, हम यहाँ बात करेंगे बेटा 5th मार्च 2016 के दिन नो एंट्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो एंट्री, नो एंट्री 5th मार्च के दिन यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, आपको भी इसे लिखना है डेट पर्टिकुलर डेबिट डेट लिखना है, सर इसको सिस्टमेटिक डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट, एग्जाम में आया ऐसे ही प्रेजेंट आपको करना है और यहाँ लिखना नो एंट्री, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, विवेक बेटा 2 मिनट वेट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, 2 मिनट वेट करना बेटा, आपका जो कमेंट है इसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, शायद उस क्वेश्चन में ही आपका डाउट भी सोल्व हो जाए, क्लियर। 5th मार्च के बाद जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा 10th of March 2016 के दिन रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन जब हुआ होगा इसकी भी आपकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, कि जब गुड्स गया था तब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, जब गुड्स आया था तो उसको रिवर्स करने की एंट्री पास करनी नहीं पड़ेगी। बस मैं डेट कंफर्म कर लेता हूं, वो डेट क्या कौन सी है, 10th ही है, यस 10th ही आइटम है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो जब मैं यहाँ पे आप लोगों से एक एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, ये हो गया बेटा आपके पास, ये बात होने के बाद 24th 2016 के दिन हमारे पास सेल एक्सेप्ट हो गई, तो इस दिन एंट्री हम पास करेंगे बेटा पार्टी, आई मीन डेटर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड और सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो एंट्री पास की जाएगी बेटा 40 × कितना बेटा 200, ओहो सॉरी 50 × 200 10,000 की एंट्री पास की जाएगी, क्लियर। फिर 31st मार्च आ गया इसके बाद, तो बेटा 31st मार्च 2016 मैं यहाँ पे एक ही चीज और लिख देता हूँ आप लोगों की बात में रिकॉल रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे गुड्स सेंट हुआ था, यहाँ पे बेटा गुड्स रिटर्न आया था, यहाँ पे बेटा एक्सेप्टेंस आई थी फॉर 50 यूनिट की बेटा, रिटर्न कितना बेटा 40 यूनिट की बात करते हैं। और बेटा यहाँ पे अब बेटा स्टॉक है, स्टॉक 10 यूनिट का स्टॉक रखा हुआ है बेटा, तो भैया यहाँ पर सेल्स रिटर्न की नो एंट्री, क्योंकि जब गुड्स सेंट हुआ था तब हमने नहीं किया, बट बेटा हमारे यहां पर स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होगी, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू बेटा
स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू, क्या बेटा होगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। जब ये एंट्री पास की जाएगी तो हमें पता है कि 20, देखो 10 आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है बेटा? 10 आर्टिकल है, 10 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 20%, 10 मल्टीप्लाई बाई 200 माइनस दिस, फिर उसको ऐसा करता हूँ और सिस्टमेटिक कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए समझना। तो जब हमें पता है, क्या पता है? इनवॉइस वैल्यू ऑफ स्टॉक रुपीज कितना? 10 मल्टीप्लाई बाई 200 दैट मीन्स कितना बेटा? 2000 लेस, बात कर दो बेटा किसके लिए बेटा? स्टॉक रिजर्व बोल दो, या इसको लोडिंग बोल दो, या इसको प्रॉफिट बोल दो। ये सारे वर्ड्स हम जब कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़े तभी डिस्कस में कर चुका था आपके पास। तो प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 20%, कितना बेटा आपके पास? 400। ये कितना आएगा बेटा? 1600 रुपीज, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ। जब ये एंट्री पास करने की बात होगी बेटा तो 1600 रुपीज से ये एंट्री पास की जाएगी। आई होप सो ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। यहाँ तक का पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे बोलें, मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ सुनने के लिए। यस बेटा विवेक बेटा, मैं आपको डाउट पढ़ रहा हूँ, देखते हैं शायद आपका डाउट क्लियर हो गया हो। सर वो 10 अप्रैल नहीं आया और रिजेक्शन भी नहीं आया तो उसका 1 month खत्म होने के बाद सेल मान लेना ना नालायक। अब ध्यान समझना विवेक, नालायक बेटा, सुनो मेरी बात। क्या इस क्वेश्चन में हम ये जो कुछ भी एंट्री करें 31 मार्च की बात करें, 1 महीना खत्म कब होगा? 5/4 को, 5th of April को खत्म होगा। हम सारी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसे 31 मार्च के दिन तक के लिए कर रहे हैं बेटा। तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, ना बाबा ना, हमें कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी बात समझना, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कशन कर रहा हूँ इस चीज के बारे में कि यार कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि 5th अप्रैल के दिन जब सोचते तब सेल मानेंगे बेटा, हम आज से सेल मानेंगे, 31 मार्च दिन सेल नहीं मान सकते हैं क्योंकि 1 month पूरा खत्म अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ है। और अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होता है तो हम सेल कैंसिल करते हैं और स्टॉक लिखते हैं अगर हम सेल रिकॉर्ड कर चुके होते तो, वरना सिर्फ स्टॉक की ही एंट्री पास करते। आई होप सो ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज रिप्लाई करें बेटा। ये था पूरा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? जवाब दो, क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? शैनन का जवाब है तो जब गुड्स सेंट और रिटर्न हो रहा है तब अगर गुड्स डैमेज हुआ लॉस हुआ तो उस लॉस की एंट्री पास करना है क्या? यस बेटा, अगर कोई गुड्स हम सेंड कर रहे हैं और या रिटर्न हो रहा है उस समय अगर लॉस होगा तो ये लॉस कौन बियर करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी, लॉस बियर कौन करने वाला है पहला पॉइंट, उसकी बेसिस पे एंट्री पास होगी। लॉस होगा तो नॉर्मल या एबनॉर्मल, जब कुछ गिवन नहीं तो हम ऑलवेज एबनॉर्मल उस मानते हैं। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम कंसाइनमेंट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं सैनन बेटा। तो आई होप सो ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? हेरम का डाउट, एग्जाम में नो एंट्री बोल के दिखाना पड़ता है या सिर्फ जो एंट्री पास की? हाँ हेरम बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब जो उस दिन लिखने का लिख देने का नो एंट्री बेटर ऑप्शन होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख दोगे और अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। लिखना है ऐसा कि नो एंट्री आज 5th of March के दिन जब गुड सेंड हुआ तब नो एंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट्स द पॉइंट इस चीज के बारे में जिक्र हमने किया। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब दो बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2।
चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू पे हैं बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर टू पे हैं बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर टू पे है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझ। अ मर्चेंट सेंट आउट हिज गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हावेवर रिकॉर्डेड एट एग्जीक्यूशन इमीडिएटली। मतलब गुड्स आज सेंड करोगे तो आज के आज ही इसको सेल ट्रीट करना है। हम इंतजार नहीं करेंगे फ्यूचर का, जब अप्रूवल है आज सेंड, आज सेंड किया आज एंट्री पास। जब एक्सेप्टेंस होगा तो हमें कोई एंट्री पास करने की नहीं पड़ेगी, रिजेक्शन होगा तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, और 31 मार्च के दिन स्टॉक बच जाएगा अकाउंटिंग फील्ड में, अकाउंटिंग बच जाएगा तो इन दैट सिचुएशन स्टॉक तो बचा ही होगा, तो सेल कैंसिल करने की एंट्री पास भी करनी पड़ेगी और स्टॉक की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। आई होप सो ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों क्या ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर रहे हो, मैं अपन साथ में ट्राई करते हैं, बोलो जवाब दो। ऑन 5th of March 2016 अप्रूवल बेसिस सेम क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन अभी हमने सेंड किया सेल किया था, बस फर्क इतना सा है कि उस क्वेश्चन के अंदर वही सेम क्वेश्चन है बेटा, बट यहाँ पे जब कुछ सेंड किया जा रहा है तभी इमिडिएटली हम इसको सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर वन हमने, जब क्वेश्चन नंबर वन का ही दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फिगर भी चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर वन में क्या गिवन था, सेल नॉट ट्रीटेड इमिडिएटली, जब अप्रूवल आएगी तभी या टाइम पीरियड एक्सपायर तभी हम सेल ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पे क्या है आज के आज सेल ट्रीट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो फटाफट से आप और मैं दोनों साथ में ट्राई करते हैं, कोई मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेगा। चलो स्क्रीन में बंद कर देता हूं अपनी, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूंगा। फटाफट से करो क्वेश्चन नंबर टू। और सभी लोग सिस्टमेटिक नोट डाउन करना बेटा, एकदम सिस्टमेटिक नोट डाउन होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आप में से किसी का भी क्वेश्चन सोल्व हो चुका हो तो मुझे बताएं।
थ्योरम का हुआ है मात्र, बाकी सब बच्चों को कहाँ है बेटा? चलो सभी लोग क्रॉस चेक करें फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन सभी ने किया क्या? देखो देखें आप लोग बेटा, किस किस का क्वेश्चन पूरा सही हुआ कमेंट करके बताएं फटाफट से। शोभित का सेम आया, बाकी सबका सेम आया कि नहीं आया? किसका गलत हुआ प्लीज मुझे कमेंट करें। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करें बेटा आप लोग। कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं जिसका क्वेश्चन गलत हुआ, जिसका गलत हुआ उसको प्राइज मिलेगा यार बेटा, प्लीज बोलो। ऐसा कोई बच्चा जिसका क्वेश्चन गलत हुआ बताओ उसको प्राइज मिलेगा? चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते फटाफट से बेटा अपन लोग। एज द एंड ऑफ द ईयर सेल्स इंक्लूड्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस लाइंग अनसोल्ड विथ कस्टमर। थ्योरम बेटा, आपकी एक सिल्क जो मुझसे लेनी थी वो कैंसल, समझा? हाँ, आप जो मुझसे एक सिल्क लेने वाले थे वो कैंसिल हो गई। ये आपका प्राइस है आज का बेटा, रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना आपको। आपने बोला मेरा गलत हुआ, ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन गलत किया इसकी वजह से जो सिल्क आप जीत चुके थे वो हार चुके, ये आपका रिवॉर्ड आज का। चलो विद कस्टमर रुपीज 10,000 गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन सेल शो द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द फाइनल अकाउंट। अब समझना बेटा, लैंग्वेज को समझना बेटा, शो द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के दिन एडजस्टमेंट करने की बात कर रहा है, तो भैया एक बात सोचो, फाइनल अकाउंट बनते कब हैं? जिस दिन अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो भैया आपने कोई गुड सेल किया था, सेंड किया था अप्रूवल बेसिस पे, उसको सेल में इंक्लूड कर लिया, और सेल में इंक्लूड कर लिया मतलब इसका मतलब ये हो गया उस गुड्स को हम सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा था, और जब हमने गुड्स सेंड किया था उसी समय इमीडिएटली
इसको हमने सेल ट्रीट कर लिया था। सर कैसे पता लगा? क्वेश्चन में ऐसा कहां बोला गया है कि सेल ट्रीट कर लिया था? तो बच्चों ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में से साफ शब्दों में लिखा गया हुआ है कि इंक्लूडिंग इन सेल, जब गुड्स आज सेल किया, सेंट किया, सेल नहीं किया, गुड्स जब आज सेंट किया, इसको आज सेल में ही आपने इंक्लूड कर लिया, और सेल में ही इंक्लूड कर लिया, इसका मतलब जब गुड्स सेंट करते तभी इसको आप सेल ट्रीट कर लेते हो। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोला पर इनडायरेक्टली बोला, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों। तो मेरा आप लोगों से बोलना कि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला आपको, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है आपको कि क्या करना है। तो मेरा आप लोगों से यहाँ बोलना है इस चीज के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ जिक्र करना है। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे किया जा रहा है, जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे किया जा रहा है, जब गुड्स सेंट किया तभी इसको सेल ट्रीट कर लिया था, सेल ट्रीट कर लिया था, और कैसे पता लगा? क्योंकि सेल में इंक्लूडिंग है, सेल में इंक्लूडिंग मतलब सेल ट्रीट किया होगा तो इधर इंक्लूड किया होगा। उसमें से 10,000 का गुड्स ऐसा है जो अनसोल्ड है, जिसके बारे में अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई है, फिर भी हम उसको सेल ट्रीट कर लिया। जो ये गुड सेंड किया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे है या 25% ऑन सेल, 25% सेल ऑन प्रॉफिट है। तो शोभित बेटा मेरा आपसे पूछना है 25% पूरे 10,000 पे लगा लेंगे या 25% सेल ऑन सेल गिवन है तो डायरेक्ट 25% अप्लाई कर दूं या मैं उसको परसेंटेज निकाल के जो 20% आएगा वो अप्लाई करूं? जवाब दो शोभित। जवाब दो। हैरान बेटा गलत बात आपने भी देखी, आपका सही हुआ तो भी आपने बोला प्राइस के लिए कि मैंने गलत किया, तो इसका प्राइस तो आपको मिलना चाहिए ना। तो समझना जब यहां बात करेंगे तो 25% सेल दे रखा है बेटा, तो हमें 25% ही लगाना पड़ेगा पूरे 10,000 के ऊपर, क्यों ऑन सेल गिवन है ना, तो ये सेल प्राइस ही गिवन है, तो अभी सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो मुझे बताओ ये सारी एंट्री आपसे पूछ रहा है कब? जिस दिन फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, और फाइनल अकाउंट कब बनते हैं बेटा? जिस दिन बुक्स अकाउंट क्लोज होता है, अकाउंटिंग क्लोज होता है, ऐसे आइडेंटिफाई करना। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा 31 मार्च को, बताओ, बट क्वेश्चन ने बोला फाइनल अकाउंट के दिन एडजस्टमेंट की बताओ, तो एडजस्टमेंट क्या होगा बेटा? सबसे पहली बात तो हमें सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड 10,000 से ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये तो सेल कैंसिल करने की एंट्री पास कर दी, एडजस्टमेंट एंट्री है। सेकेंड एंट्री और पास होगी बेटा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा कितना आएगा बेटा? 10,000 माइनस 25% ऑफ 10,000, दैट मीन्स यहाँ कितना होगा बेटा? 7,500। दैट विल बी वो, दैट विल बी आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 3 टफ लगा? क्या क्वेश्चन नंबर 3 टफ लगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आप फंडामेंटल आप क्लियर नहीं हो, लॉजिकल क्लियर नहीं हो, इस चैप्टर को ऐसे हलते बलते में पढ़ के पढ़ लिया तो निपट जाओगे एग्जाम के अंदर बेटा, चीज के बारे में देखना। क्लियर आ रही है बेटा? वापस समझाता हूँ इस 10,000 रुपीज वाला पॉइंट। यहाँ पे ये हुआ था बेटा कि कोई एक पर्सन था, इसने किसी दूसरे पर्सन को इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 2015-16 जो अकाउंटिंग पीरियड है, इस अकाउंटिंग पीरियड में किसी को गुड्स सेंड किया था अप्रूवल बेसिस पे, और जो इस साल की इस पर्सन की जो टोटल सेल है, इस सेल के अंदर ये अप्रूवल वाला गुड्स भी इंक्लूडिंग है। तो मतलब गुड्स हमने सेंड किया था अप्रूवल बेसिस पे, बट इसको हमने सेल में इंक्लूडिंग है, मतलब जब गुड्स सेंड किया था तभी इसको इमीडिएटली हमने क्या सेल ट्रीट कर दिया था बेटा, अब सेल ट्रीट कर दिया था, बट अभी तक इसके लिए अप्रूवल नहीं है। कैसे पता लगा? लिखा ना अनसोल्ड विद कस्टमर, गुड्स 10,000 रुपये कस्टमर पर रखा हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई अप्रूवल हमें रिसीव नहीं हुई है। और हमारे पास अगर कोई भी अप्रूवल रिसीव नहीं है तो भैया वो गुड्स स्टॉक विद कस्टमर है, सेल हुआ ही नहीं, फिर भी हम सेल ट्रीट कर दिया था, तो 10,000 को बेटा सेल हमें कैंसिल करनी पड़ी, रिवर्स सेल, सेल रिवर्स करने की एंट्री पास होगी बेटा,
और जो गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है उसको हमें अपने स्टॉक में शो करना पड़ेगा, तो हम इसको शो करेंगे एट विच प्राइस बेटा, हम शो करेंगे एट विच प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस पे शो करेंगे बेटा, कि कॉस्ट आया ना विच लोअर पे शो करते हैं। हमने इससे जस्ट पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाया, तो बेटा वहाँ पे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा, क्लियर, दैट्स गुड। शोभित बेटा चैप्टर आपको इसलिए आसान लग रहा है कि मैंने इस चैप्टर की बहुत एक एक बारीक से बारीक कंसेप्ट मैंने डिस्कशन आपके साथ किया इसलिए बेटा। बाकी ईमानदारी से बच्चे बाहर जो चैप्टर पढ़ते रट लेते हैं, इसके भी एंट्री पास होती है, इसके इसमें एंट्री, दैट्स इट बेटा। बट फंडामेंटल नहीं पढ़ते इससे दिक्कत आती है। आप ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई में अपने आप की तारीफ कर रहा हूँ, आपने चैप्टर बहुत लॉजिकल पढ़ा आप लोगों ने, इसलिए आपको ये फायदा मिल रहा है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक का पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ सभी लोग बेटा। आर्या बेटा आई होप सो ये पॉइंट आपको सभी को अच्छे समझ में आया होगा, यहाँ तक फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। बटन खुलो क्या आंटी? बटन खुलो तो को है इन तो अट्टा पड़ा जाओ कि तकलीफ नहीं बटू। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? चलो नाउ नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ध्यान समझना क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा आप लोग। नालायक बेटा रिजेक्शन की तरह ट्रीट क्यों करोगे आर्या बेटा? क्या रिजेक्शन हो गया है क्या? हमें तो ये भी नहीं पता टाइम पीरियड एक्सपायर कब होगा। सिर्फ क्वेश्चन में आर्या बेटा यहाँ पे सिर्फ इतना सा पता था कि 10,000 का गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है जो कि अनसोल्ड है, और फाइनल अकाउंट के दिन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फाइनल अकाउंट ट्रीटमेंट का मतलब जब बुक्स अकाउंट क्लोज होने की बात कर रहा है बेटा ये तो। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने की बात कर रहा है, उस दिन हमारा कुछ गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, वो ऐसा गुड्स रखा हुआ जो अप्रूवल बेसिस से भेजा गया था, उसके रिगार्डिंग कोई अप्रूवल नहीं है, तो रिजेक्शन तो तब मानते हैं जब सामने से रिजेक्ट किया गया होगा। तो बेटा यहाँ पे रिजेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ गुड्स उसके पास रखा हुआ है ना, उसने हाँ किया ना किया, बुक्स अकाउंट क्लोज करने का समय आ गया। तो भैया हमें जब गुड्स सेंड किया था तब उसको सेल ट्रीट कर दिया था, 31 मार्च के दिन सेल को हमें रिवर्स करके एंट्री पास कर देंगे, बात खत्म बेटा। अरे वेडिंग नहीं पॉइंट्स और दैट्स इट। अरे बेटा आई होप सो योर पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से बेटा आपको। अगर ये पॉइंट अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप मुझे बोलो, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और वापस बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अ कंपनी सेंड गुड्स ऑन अप्रूवल एंड रिकॉर्ड सेल ओनली आफ्टर रिसीव कंफर्मेशन, मतलब सेल तब ट्रीट करेंगे जब एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी, अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो हम सेल ट्रीट नहीं करेंगे। फ्रॉम द पार्टी ऑन एक्सपायर टाइम अलाउड ऑन अप्रूवल, मतलब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तब सेल ट्रीट करेंगे, या पार्टी से एक्सेप्ट होने तब सेल ट्रीट करेंगे, मतलब आज गुड्स अगर सेंड करेंगे तो आज हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। एज द ईयर एंडेड गुड्स इनवॉइस एट ₹50,000 लाइंग विद कस्टमर, 50,000 का गुड्स कस्टमर के पास अभी भी रखा हुआ है। अब 50,000 का कस्टमर के पास गुड्स रखा हुआ है, ठीक है बेटा, ठीक है। एज द ईयर एंडेड फॉर 60% दिस गुड्स कंफर्मेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायर्ड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एज द ईयर एंड बट कुड नॉट रिकॉर्ड इट एज ए सेल, 50,000 का गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है उस एंड ऑफ द ईयर में, बट उस 50,000 में से 60% के लिए हमें अप्रूवल मिल चुकी थी, बट वो अप्रूवल मिल चुकी थी मतलब सेल हो चुका था बट सेल की एंट्री पास नहीं की। तो भैया 60% के लिए सेल की एंट्री पास कर दो, और उस 50,000 में से 40% के बारे में अभी तक कोई अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है, और अभी तक टाइम एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई है। तो मतलब इस 40% के लिए स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री पास होगी, ध्यान समझना, और सेल आर मेड 20% ऑन सेल वैल्यू शो द एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट, ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 फंसाएगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 4
मान लो कोई भी अकाउंटिंग, यहां जब गुड्स आपने भेजा, जब गुड्स आपने सेंड किया था तब आपने नो एंट्री, 50,000 का गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ, इसमें से एंड ऑफ द ईयर में ही 60% की अप्रूवल मिल चुकी थी, मतलब सेल हो चुका था, एंट्री पास करनी चाहिए थी, बट आपने एंट्री पास नहीं की, तो एंट्री पास। अब 40% के बारे में अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब जब ये जब गुड्स सेंड किया होगा वो 100% में से 60% की अप्रूवल मिल चुकी, तो यहाँ सेल की एंट्री पास हो जानी चाहिए थी। और 40 जब यहाँ कुछ एंट्री, तो यहाँ पे 40% की रिवर्स एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है कि जब गुड्स सेंड किया था तभी हमने कोई एंट्री पास नहीं की थी बेटा, तो फिर हमें सिर्फ 40% के लिए स्टॉक की एंट्री ही हमें पास करनी पड़ेगी। आई होप सो ये पॉइंट आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक का पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। तो नाउ जब इस केस में एंट्री पास करने जाएंगे बेटा, जब गुड्स सेंड किया होगा तब तो हमें कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, पर 31 मार्च के दिन बेटा सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर ये बताओ, सुनो ध्यान से बेटा। ऑन 31 मार्च जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, उस दिन हमें 60% के लिए सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। डेटर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल, कितने से बेटा 30,000 से ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये एंट्री पास कर देनी चाहिए थी बट ये एंट्री पास अभी तक नहीं हुई, इसमें हमारी गलती है। बात खत्म, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अब हमें यहाँ पे रिवर्स एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने जब गुड्स भेजा था तभी हमने सेल रिकॉर्ड नहीं किया, तो सेल कैंसिल करने की एंट्री पास नहीं होगी। सिर्फ हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू बेटा ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्रेडिटेड की एंट्री पास होगी। तो बेटा ये 20,000 रुपीज़ है, इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट है कितना बेटा 20%, कितना बेटा 20% वाला प्रॉफिट का एलिमेंट, 20% ऑफ कितना बेटा 20,000 की बात करेंगे बेटा, तो ये 16,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट अमाउंट, 4,000 का प्रॉफिट एलिमेंट है, तो स्टॉक कितने पे शो होगा बेटा 16,000 पे शो किया जाएगा। आई होप सो क्या क्वेश्चन नंबर 4 सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, यहाँ तक का पॉइंट में किसी को पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब दो बच्चों, क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट है क्या, प्लीज बेटा जवाब दो ना यार। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ऐसा सिंपल चैप्टर है बेटा यार। आओ बेटा, आप होमवर्क की बारी आती है बेटा, आप होमवर्क करेंगे, आज के लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा जस्ट टाउन, मैं अपने टाउन में हूँ बेटा, अपने होम टाउन में हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आता है, ज़्यादा नेट नहीं मिल पाता, इसलिए हमें इतना ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दैट विल बी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क, ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3-4 इज ऑल्सो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो होमवर्क, ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है बेटा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।